जुटाई। सो आज का अपडेट रहेगा अबाउट वो नेशनल हेल्थ मिशन से। अभी टोटल 900 अभी 620 900 अभी नया वैकेंसीज मिला। सो इस वैकेंस द नेम ऑफ द पोस्ट है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट आप लोग का BSc नर्सिंग होना पड़ेगा और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आप लोग करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकेगा। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोथ मेल एंड फीमेल आप लोग अप्लाई कर सकता है। एंड ये ऑनलाइन लिंक ऑलरेडी ये एक्टिव हो चुका है। सो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करने से डायरेक्टली ये पेज पर आ जाएगा। सो यहाँ पर आने के बाद डायरेक्टली आप लोग सेलेक्ट पोस्ट करना पड़ेगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद यूनिट सेलेक्ट योर जेंडर, सेलेक्ट मेल और फीमेल जो भी हो, सेलेक्ट मैं अभी मेल सेलेक्ट कर देता हूँ। देन आफ्टर दैट यूनिट टू टाइप योर नेम, सेलेक्ट मैं अभी खुद का नेम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मिडिल नेम अगर है देन आप लोग टाइप कर लेना, अगर मिडिल नेम नहीं है देन लास्ट नेम टाइप कर लेना। उसके बाद यूनिट टू टाइप योर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यूनिट टू टाइप योर कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद यूनिट टू टाइप योर ईमेल एड्रेस, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यूनिट टू रजिस्टर करना पड़ेगा। सो टिल देन आप लोग एक काम करना, थोड़ा बहुत वेट करना, मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। उसके बाद सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद क्या हो गया, सक्सेसफुली ये रजिस्टर हो गया। यू हैव OTP हैज़ बीन सेंड टू द डिलीवर मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, आप लोग ने जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वहाँ पर एक OTP आ जाएगा। सो वो OTP को एग्जैक्टली आप लोग टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक ऑन वेरीफाई, वेरीफाई पर क्लिक करो। उसके बाद नया पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर लेना पड़ेगा, जैसे कि जो भी हो पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना। एंड फिर उसको नया फिर दोबारा री एंटर करना। उसके बाद यू नीड टू क्लिक क्रिएट, क्रिएट पर क्लिक करके यू हैव सक्सेसफुली साइन अप। सो ऐसा होकर आप लोग क्या होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वेट करके आप लोग क्या करना पड़ेगा, दोबारा आप लोग यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन पर क्लिक करने से नया पेज एक जनरेट हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट अपर केस एप्लीकेंट सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद मोबाइल नंबर आप लोग टाइप कर लेना, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आप लोग ने दिया था। उसके बाद पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको SSH टाइप कर लेना। देन आफ्टर दैट कैप्सा SSH, यहाँ पर जो कैप्सा रहेगा वो SSH टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद यू नीड टू क्रिएट लॉगिन, लॉगिन पर क्रिएट करने से थोड़ा बहुत वेट करने से एक नया पेज जनरेट हो जाएगा। सो ये जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, फिर मैं दोबारा बोल रहा है कि इसमें से ऑल टोटल 900 वैकेंसीज है, 620 900 वैकेंसीज है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट BSc नर्सिंग होना पड़ेगा और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना पड़ेगा। सो यहाँ पर नीचे आने के बाद क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट यू नीड टू सेलेक्ट योर रिलीजन, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यूनिट सेलेक्ट योर कास्ट, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यूनिट सेलेक्ट योर पर्सन विद डिजेबिलिटी, मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद परमानेंट एड्रेस केयर ऑफ, जो भी है आप लोग का वो टाइप कर लेना, आप लोग का जो केयर है सेलेक्ट मैं अभी टाइप करना चाह रहा हूँ, फादर नेम। उसके बाद आप लोग का जो हाउस नंबर है वो टाइप कर लेना। उसके बाद आप लोग का जो विलेज है वो टाइप कर लेना। उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, आप लोग वैसे SSH टाइप करके चला जाना। उसके बाद आप लोग का जो पिन कोड रहेगा और डिस्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट मैं डिमासा सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद पिन कोड है, उसके बाद आप लोग का जो स्टेट है। एंड उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेम एस परमानेंस में करने जा रहा हूँ, बिकॉज मेरा परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस समान रहेगा। उसके बाद यू नीड टू क्रिएट अपडेट, अपडेट पर क्लिक, आर यू श्योर, येस कर लेना आप लोग ऐसे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्रिएट नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर BSc नर्सिंग। सो नेम ऑफ द कोर्स आप लोग इसमें से टाइप कर लेना, नेम ऑफ द कोर्स क्या रहेगा। देन आफ्टर दैट कोर्स ड्यूरेशन टाइप कर लेना, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेना, ऑथोरिटी नेम टाइप कर लेना। देन आफ्टर दैट नीचे पर आना पड़ेगा, नीचे पर आने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, कोर्स स्टार्ट डेट टाइप करना पड़ेगा, कोर्स एंड डेट टाइप करना पड़ेगा। देन आफ्टर डेट इंस्टीट्यूशन नेम, कौन सा वाला इंस्टीट्यूशन से आप लोग ने BSc नर्सिंग किया है। देन आफ्टर डेट नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने के बाद यूनिवर्सिटी नेम आप लोग टाइप करना पड़ेगा, मोड ऑफ कोर्सेज, मोड ऑफ कोर्सेज यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट रेगुलर या कॉरेस्पॉन्डेंट। देन आफ्टर डेट कौन सा वाला सब्जेक्ट लिया था, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना, ऑप्टन ऑफ मार्क्स। देन आफ्टर डेट डिविजन। सो फिलहाल मैं ये सब मैं अभी टाइप करके फिर दोबारा आ रहा हूँ।
वो नीचे पर आप लोग वो अपडेट क्लियर करने के बाद आप लोग क्या हो जाएगा, एडिक्शन क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपलोडेड सक्सेसफुली, उसके बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना अपडेट 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 एनी टाइम आप लोग करना पड़ेगा। उसके बाद यू नीड टू क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करने से क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से दोबारा अच्छा से यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोग का जो डिग्री का क्वालिफिकेशन रहेगा वो डिग्री का क्वालिफिकेशन एडमिट सेट यहाँ पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। पहला रहेगा अबाउट बीएससी नर्सिंग के बारे में, नाउ अबाउट वो के एज पर एडवर्टाइजमेंट अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट में अभी डिग्री सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद नेम ऑफ द एग्ज़ाम, उसके बाद आप लोग का क्या क्या सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्ट्रीम है, स्ट्रीम सेलेक्ट में अभी साइंस सेलेक्ट करने जा रहा है। उसके बाद आप लोग नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप लोग इंस्टीट्यूशन नेम सेलेक्ट करना कि कौन सा वाला कॉलेज से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम, उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर्स रहेगा। उसके बाद टोटल मार्क्स आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देना, उसके बाद मार्क्स ऑप्टेन यहाँ पर फिलअप कर देना। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने के बाद परसेंटेज ये अपना आप ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा ईयर ऑफ पासिंग। देन आफ्टर डेट आप लोग का जो डिवीजन रहेगा वो डिवीजन आप लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मोड ऑफ कोर्स रेगुलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप लोग एक काम याद रखना, यहाँ पर रहेगा अबाउट बी एस सी नर्सिंग के बारे में, एंड यहाँ पर आप लोग का जो ग्रेजुएशन जहाँ से किया वो वही का आप लोग यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। सो फिलहाल मैं उसे फिलअप करके फिर दोबारा आके आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्किंग एक्सपीरियंस आप लोग कैसे करना पड़ेगा। आप लोग का एडिक्शन क्वालिफिकेशन आप लोग वो सबमिट करने के बाद, एडिक्शन क्वालिफिकेशन सबमिट करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आप लोग का वर्क एक्सपीरियंस। सो वर्किंग एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देना कि कौन सा वाला जगह से आप लोग, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन आफ्टर दैट डिजाइग्नेशन, उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी आप लोग का जो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा फ्रॉम डैट टू टिल डैट, उसके बाद सर्विस ड्यूरेशन आप लोग यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस आप लोग सेलेक्ट करना कि कौन सा वाला इंस्टीट्यूट या कौन सा वाला बेसिक इन्फॉर्मेशन से आप लोग ने वर्किंग एक्सपीरियंस किया है। सो लाइक जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आप लोग उसको एज पर आप लोग का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वहाँ पर आप लोग सेम टू सेम एग्जैक्टली यहाँ पर आप लोग क्या कर लेना वो टाइप कर लेना। आप लोग को ऐसे वर्किंग एक्सपीरियंस ऐसे डेज आप लोग अच्छा से टाइप कर लेना। टाइप करने के बाद कौन सा वाला डेट से आप लोग ने वर्किंग किया है, देन आफ्टर डेट टिल डेट, उसके बाद ड्यूरेशन ये कि यहाँ से यहाँ तक कितना साल हुआ, कितना मंथ हुआ, कितना डेज हुआ, ऐसा ऐसे डेज आप लोग सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पर आप लोग एक काम कर लेना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना। सेलेक्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा आप लोग का, फर्स्ट आएगा आप लोग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम असम नर्सिंग काउंसिल, उसके बाद एज प्रूफ, देन आफ्टर दैट कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर रिजर्व कैटेगरी, इट मीन्स रिजर्व कैटेगरी मीन्स आप लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट वो रहेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द नर्सिंग वो भी होना पड़ेगा। फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बी एस सी नर्सिंग का होना पड़ेगा। देन आफ्टर डेट आप लोग का फोटो, देन आफ्टर डेट आप लोग का प्रोविजनल या ऑब्लिक आप लोग का जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, एंड लास्ट में सिग्नेचर आप लोग, इसमें से आप लोग एक काम कर लेना वन बाय वन आप लोग इसमें से सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर आके आप लोग क्या कर लेना, आप लोग का जो फिनिशिंग रहेगा वो वहाँ तक फिर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोग क्या हो जाएगा, एक फिनिश हो जाएगा। इट मीन्स दैट आई हैव डन ऑलरेडी, इट मीन्स दैट मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी वो डिटेल्स फिलअप कर लिया, उसके बाद बीएससी नर्सिंग का फिलअप कर लिया, ग्रेजुएशन का फिलअप कर लिया, वर्किंग एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद मैंने फिनिशिंग कर लिया। इट मीन्स दैट ऐसा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, राइट नाउ यहाँ पर अप्लाई कर सकता है अभी NHM CHO में। अभी टोटल 900 वैकेंसी 620 अभी नया वैकेंसी से वो लोग ने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है। सो यहाँ पर ऐसा करके आप लोग A to Z आप लोग फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टिल देन। लेकिन फिर भी किसी को कुछ अगर कन्फ्यूजन हो गया, देन आप लोग एक काम करना, वीडियो के नीचे में आप लोग सॉरी वो इंटरनेट मेरा अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग एक काम कर लेना, ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, एंड वहाँ से जितना हो सकेगा आप लोग मुझे एक काम कर लेना वो अप्लाई करने के लिए कोशिश करना। फिर भी आप लोग का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देन आप लोग एक काम करना, आप लोग कमेंट करना मुझे, कमेंट करने से जितना हो सकेगा मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा। आई होप सो यहाँ तक आप लोग अप्लाई करने के लिए कुछ डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने A to Z सभी ईच एंड एवरीथिंग मैंने फिलअप कर दिया है। सो ये है मेरा डिटेल्स, अभी फिर से दोबारा अगर मैं चेक करना चाहता है देन चेक कर सकता है, तो ऐसा नेक्स्ट 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 करके। सो ऐसे करके आप लोग एक काम कर लेना, आप लोग अच्छा से इसमें से अप्लाई कर लेना। फिर भी अगर किसी को कुछ कंफ्यूज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, देन डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करना एंड कमेंट करना। सो ये बोल के आज का अपडेट मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ। जुटा एंड थैंक यू।